इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सागर धनखड़ मर्डर केस में अब से थोड़ी ही देर के बाद रेसलर सुशील कुमार की पेशी होगी। सुशील कुमार अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट पहुंच गए और थोड़ी देर में उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सागर धनखड़ मर्डर केस में आज सुशील कुमार की पेशी होनी है। रेसलर सुशील कुमार दिल्ली के रोहिणी कोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में अब जज भी पहुंचेंगे। उसके बाद सुशील कुमार पर एक बार फिर से रिमांड की अवधि कितनी होगी, कितने दिन की रिमांड की अवधि बढ़ाई जाएगी, इस पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशील कुमार अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट पहुंच चुका है और थोड़ी देर में उन्हें जज के सामने पेश किया जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार पर संगीन आरोप है। वीडियो सामने आ चुके हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता कुमार सोनू भी इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। सागर पहलवान हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पहलवान सुशील और उसके साथी अजय बकरवाला को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कड़ी सुरक्षा के बीच पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय बकरवाला को यहां लेकर पहुंची है। फिलहाल 6 दिन की क्राइम ब्रांच की रिमांड पर था पहलवान सुशील और उसका साथी जो अजय बकरवाला है। फिलहाल अब क्राइम ब्रांच सूत्रों से पता चल रहा है कि क्राइम ब्रांच जो है कोर्ट में पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय बकरवाला की रिमांड एक्सटेंड करने की मांग कर सकती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि अभी सुशील से और पूछताछ होनी है और खासतौर पर पहलवान सुशील और उसके साथी अजय बकरवाला को तमाम उन जगहों पर लेके जाना है पुलिस को जहां पर वो अपनी फरारी के दौरान छुपा था, और साथ ही जिन लोगों ने पहलवान सुशील कुमार और अजय को उन दोनों की फरारी के दौरान शेल्टर दिया था उन लोगों से भी पूछताछ करनी है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ कुमार सोनू लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, कितने दिन की रिमांड की मांग की जा सकती है? देखिए, जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है वो ये कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 8 दिन की रिमांड और मांग सकती है पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय बकरवाला की। फिलहाल पुलिस का ये कहना है, जो हमें जानकारी मिली है, कि सुशील पहलवान और अजय बकरवाला को उन तमाम जगहों पर लेके जाना है जहां पर फरारी के दौरान उसने शेल्टर लिया था, किन किन लोगों के पास वो रहा, किन किन लोगों से बात की, और खासतौर पर सुशील के मोबाइल फोन रिकवर करने हैं। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच सूत्रों से हमें ये भी पता चला था कि जब वो उत्तराखंड में था तो उसे 2 मोबाइल फोन और उनमें 2 अलग अलग सिम दी गई थी बातचीत करने के लिए, जिसके जरिए उसने कई लोगों से बात भी की थी, और उसके साथ ही एक डोंगल का इस्तेमाल किया था। उस डोंगल के जरिए वो इंटरनेट कॉलिंग कर रहा था लगातार अपने परिचितों से, और खासतौर पर गुरुग्राम में रहने वाले एक शख्स से भी उसने बातचीत की थी। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसके पास से ना ही कोई मोबाइल फोन मिला था और ना ही कोई डोंगल मिला था। खबर पर और अपडेट आती है, हम फौरन आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार सोनू आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।